भैया नींबू चाहिए थे। नींबू के पौधे? हाँ हाँ मिल जाएंगे। अरे भैया ये बढ़िया वाला पौधा ले लो, विदेशी पौधा है, एकदम नीले नीले बड़े बड़े नींबू फड़ेंगे। अरे नीले, इस रंग के नींबू तो मैंने कभी नहीं सुना। हाँ भैया एकदम नीले नीले रंग के बढ़िया वाले। अरे नहीं भाई, मुझे साधारण नींबू ही दे दो, पता नहीं गांव वालों ने नहीं खरीदा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप जैसा ठीक कहो। अरे इस बिजली को कौन समझाए, बताओ सूखा भात है और ये बैगन भाजा है, इससे गले के नीचे कैसे उतरेगा खाना। ये तो मैं बिजली से परेशान हो गया हूँ, समझा समझा कर बिजली समझती ही नहीं है। हुर हुर हुर, चल 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 चल। क्या हुआ भैया, क्यों किट 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 कर रहे हो, खाना खाने के लिए बैठे हो और बक 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 कर रहे हो। अरे देख रहा है ये खाना, सूखा भात है और यहाँ पर दे दिया है बैगन भाजा, कुछ दाल वाल रहती है, गीली चीजें रहती है तो गले से उतरता है, ये सूखा भात और ये बैगन भाजा उतरेगा, बता। अरे भैया मैं तो भाभी को कुछ बोलता हूँ तो तुम मुझे मारने के लिए दौड़ने लगते हो, अब मैं क्या करूँ, मेरी बात क्या चलती है। अच्छा अच्छा तुझे भी मौका मिल गया, अब तू भी अपनी भड़ास मेरे ऊपर निकाल ले, तू देवर और भाभी दोनों ही एक। गर्मी का मौसम था, कालू कौवा अपने खेत में काम कर रहा था, फावड़ा चला रहा था। और थोड़ा बचा है, बस आज खत्म कर लूं क्या। बाप रे ये गर्मी तो परेशान कर रही है, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। ना रे बाबा ना, इस गर्मी में और काम नहीं होगा मुझसे, ऐसे तो मारा जाऊंगा मैं। चलता हूँ घर। अरे बिजली। अरे आप आ गए इतनी जल्दी। अरे क्या करता बिजली, इतना बाहर गर्मी है कि काम ही नहीं हो रहा था, मैं तो बहुत थक गया बिजली, एकदम से धूप सर पर आकर नाच रही थी, ऐसा लग रहा था चक्कर खा के गिर न जाऊं। अरे अच्छा किया तब तो आप चले आए, बढ़िया किया, तेज धूप में काम करने से आप बुरी तरीके से बीमार हो सकते थे। हाँ वही सोच रहा हूँ मैं। सुनो ना बिजली, अगर नींबू हो तो थोड़ा नींबू का शरबत बना कर दे देना मुझे, मैं अंदर जाता हूँ। हाँ हाँ तुम जाओ, मैं नींबू का शरबत बना कर लाती हूँ। ये लो तुम्हारा शरबत बन गया, लो इसे पियो। अरे दो दो, बहुत जरूरत थी इसकी, इसके बगैर तो लग रहा था जैसे जान निकली जा रही। थोड़ी राहत मिली है, ये लो लो। अब मैं थोड़ी देर बिजली सो जाता हूँ, थोड़ा जब शाम ढलने लगेगा ना तभी मुझे जगा देना, खेतों में चला जाऊंगा उस समय और कुड़ाई कर लूंगा, धूप कम रहेगी उस समय। ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी, आप आराम करो। सुन रहे हो, उठो अब धूप चली गई है, खेतों में जाना है ना। हाँ हाँ जाना है, अच्छा किया जगा दिया, चलो मैं चलता हूँ।
अरे भैया कालू, खुदाई हो गई क्या? अरे थोड़ी सी बची है भैरव, तूने देर क्यों कर दिया? अब मौसम दोपहर में बहुत खराब रहता है, अभी तो कम से कम जल्दी आकर कुड़ाई कर लेता। अरे वही तो आया हूँ, धूप में क्या करता, मुझे मरने का शौक नहीं है इसलिए धूप में नहीं आया। हाँ अभी कर लूँगा कुड़ाई। और भैया कौन सी फसल लगाओगे? अरे अभी कुछ तय नहीं किया है, पहले कुड़ाई कर लेता हूँ फिर देखता हूँ। साला मुझे बता नहीं रहा है, हर बार की तरह मैं नुकसान नहीं उठाऊंगा, इस बार मैं इंतजार करूंगा। तुम कौन सी फसल लगाते हो? जो फसल लगाओगे वही फसल मैं लगाऊंगा। जा रहा हूँ भैरव, अब तू अपनी कुड़ाई कर ले, अब बचा हुआ कल करूंगा, थक गया हूँ। बिजली, ओ बिजली। आई आई। अरे बिजली, वो बची हुई शरबत है क्या, थोड़ा सा देना। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। ये लो पियो। अरे दो दो। क्या बात है, गर्मी के दिनों में नींबू की शरबत, मजा आ जाता है। अब बिजली मुझे एक थैला दे दो, बाजार जाता हूँ, राशन भी ले आऊंगा और नींबू भी ले आऊंगा, नींबू भी खत्म होने वाला है। अभी ला रही हूँ। अरे भाई मंगरू, कैसे दिए आलू? आलू तो भैया 20 रुपए केजी है। और ये फूल गोभी? ये फूल गोभी 25 के एक है, 50 के जोड़े हैं। अच्छा अच्छा, नींबू भी दे दे मुझे, ये भी दे दे 1 केजी, 2 फूल गोभी दे दे और नींबू दे दे, नींबू ज्यादा देना, 20 के 20 देना। अरे भैया नींबू है कहाँ, नींबू तो मेरे पास है ही नहीं, सब खत्म हो गए। अच्छा तू एक काम कर, ये चीजें तौल, मैं देखता हूँ बाजार में नींबू किसके पास है। अरे किसी के पास नींबू नहीं मिलेगा, इस वक्त बाहर से भी नींबू नहीं आ रहा है हमारे गांव में, और हमारे गांव में तो किसी के घर में नींबू उगता ही नहीं है, कोई नींबू का चास भी नहीं करता है, तो अभी लंबे समय तक नींबू नहीं मिलने वाला। अरे मैं तो पिछले हफ्ते ही ले गया था, ये अकाल कैसे पड़ गया? अरे अकाल नहीं पड़ा है, यहाँ पर अभी आसपास कहीं नींबू नहीं मिल रहे हैं, यही वजह है। अरे ये तो गजब हो गया, गर्मी के दिनों में तो नींबू की बहुत मांग रहती है। वही बात तो है, इसीलिए तो बाहर के बाहर ही बिक रहे हैं, आ ही नहीं रहा है नींबू। चलो कोई बात नहीं है, जो सारी चीजें हैं वही दे दो। बिजली ये लो, सारे राशन मैं ले आया हूँ। अच्छा किया, अरे इसमें नींबू तो है ही नहीं। अरे बिजली नींबू पूरे बाजार में नहीं है, मैं तो थक गया, मंगरू ने कहा सो कहा, फिर भी मैंने बाजार में देखा पर कहीं नींबू नहीं मिल रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ इस गर्मी में गांव वालों का बड़ा बुरा हाल होने वाला है। एक बात कहूँ मैं? हाँ हाँ बोलो। आप इस बार नींबू की ही खेती क्यों नहीं कर लेते? बात तो सही है। खेती तो कर लोगे ना? अरे बिजली मैं अपने पिताजी के साथ बचपन से खेती ही करता आ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है खेती कैसे होती है, उसके लिए टेंशन नहीं है, खेती तो मैं कर ही लूँगा। तो फिर तुम इस बार नींबू की ही खेती करो, तुम्हें अच्छा खासा फायदा होगा। हाँ तुम एकदम ठीक कह रही हो,
इस बार मैं नींबू की ही खेती करूंगा। बिजली, मैं आता हूँ नर्सरी से, वहाँ देखता हूँ नींबू के पौधे लाने होंगे। ठीक है जी, जाओ। भैया नींबू चाहिए थे। नींबू के पौधे? हाँ हाँ मिल जाएंगे। अरे भैया ये बढ़िया वाला पौधा ले लो, विदेशी पौधा है, एकदम नीले नीले बड़े बड़े नींबू फड़ेंगे। अरे नीले, इस रंग के नींबू तो मैंने कभी नहीं सुना। हाँ भैया एकदम नीले नीले रंग के बढ़िया वाले। अरे नहीं भाई, मुझे साधारण नींबू ही दे दो, पता नहीं गांव वालों ने नहीं खरीदा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप जैसा ठीक कहो। अरे भैया कालू, क्या लगा रहे हो? ये तो नींबू के पौधे लग रहे हैं। हाँ भाई, नींबू के ही पौधे लगा रहा हूँ, देखता हूँ बाजार में लगता है नींबू का ही मांग है, इसीलिए नींबू के पौधे लगा रहा हूँ। अब मैं भी सोचता हूँ नींबू के ही पौधे लगा लूँ क्या। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, दो लोग हो जाएंगे और भी अच्छी बात होगी, नींबू के ही पौधे लगा लो तुम भी। चलता हूँ, अब इसे बेच आता हूँ। अरे भैया कालू, कहाँ जा रहे हो? अरे बाजार जा रहा हूँ, और सारे नींबू बेच लूंगा, उसके बाद इसी हफ्ता सोचता हूँ सारे के सारे नींबू बेचकर खत्म कर लूँ। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ अब बेचो। ये कालू के नींबू खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं अपने नींबू बेचूंगा, मजा आ जाएगा, मनमाने भाव में बेचूंगा। अरे भैया कैसे दिए? 20 रुपए के जोड़ा है। ठीक है दे दो। अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लूट गया। अरे क्या हो गया भैरव, क्यों रो रहे हो? अरे भैया कालू, मैंने सोचा था तुम बेच रहे हो, तुम्हारे बाद मैं बेचूंगा, खाली इकलौता रहूंगा तो मनमाने दाम पर बेचूंगा, लेकिन आज ही अगल बगल के गांव से ढेर सारे नींबू बाजार में उतर आए हैं, मेरा नींबू तो बिकेगा ही नहीं। अरे भाई मैं तो पहले ही कहता था तुझे, देखा देखी मत कर, अपने हिसाब से अपने बुद्धि से व्यापार कर, तू मेरे देखा देखी में पड़ा हुआ था। मैंने तुझे उस समय भी कहा कि चल बेच लेते हैं, पर तू मेरी बात नहीं माना, तूने नहीं बेचा। देख मैंने अपने नींबू बेच दिए तो मुझे फायदा हो गया, अब तो अगर नहीं बेचेगा तो ये सड़ सड़ कर बर्बाद हो जाएंगे। क्या करूं भैया, समझ में नहीं आ रहा है, मेरी तो पूरी फसल बर्बाद हो रही है। अरे कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी संख्या में नींबू तोड़ और उसे बेच, एक बार में सारी नहीं तोड़ना। लेकिन बगल के गांव से नींबू आ चुके हैं। अरे जा तो सही, अपना दाम थोड़ा कम रखना,
कुछ न कुछ बिक जरूर जाएंगे, वरना सोचो अगर नहीं बिके तो तेरा फसल भी बर्बाद हो जाएगा और सड़ सड़ के ये नींबू भी खत्म हो जाएंगे, इसीलिए अभी ही बेच लो। ठीक ही कह रहे हो भैया, वही करता हूँ। और भैरव भी थोड़े थोड़े नींबू को छोटी छोटी टोकरियों में रोज लेकर जाकर बेचने लगा। भैरव को कालू की तरह व्यापार में मुनाफा तो नहीं हुआ, लेकिन उसके भी सारे नींबू बिक गए। अब भैरव कालू की देखा देखी नहीं करता था और अपनी खेती अपने हिसाब से दिमाग लगाकर करता था। कालू भी खुश था और भैरव भी खुश था। कालू कौवा खेत में हल चला रहा था। हुर हुर हुर, चल आगे 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 आगे। भैया, ओ भैया, खाना ले आया हूँ, आ जाओ खाना खा लो। आया आया, रखो वही खाना, आ रहा हूँ। अरे भैरव, जब तक मैं खाना खाता हूँ तू एक काम कर, हल को चला ले और दो बार पूरे खेत को रौंद दे। ठीक है भैया, कर दूंगा मैं, चलो जाओ अब मैं खा लेता हूँ। अरे इस बिजली को कौन समझाए, बताओ सूखा भात है और ये बैगन भाजा है, इससे गले के नीचे कैसे उतरेगा खाना। ये तो मैं बिजली से परेशान हो गया हूँ, समझा समझा कर बिजली समझती ही नहीं है। हुर हुर हुर, चल 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 चल। क्या हुआ भैया, क्यों किट 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 कर रहे हो, खाना खाने के लिए बैठे हो और बक 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 कर रहे हो। अरे देख रहा है ये खाना, सूखा भात है और यहाँ पर दे दिया है बैगन भाजा, कुछ दाल वाल रहती है, गीली चीजें रहती है तो गले से उतरता है, ये सूखा भात और ये बैगन भाजा उतरेगा, बता। अरे भैया, मैं तो भाभी को कुछ बोलता हूँ तो तुम मुझे मारने के लिए दौड़ने लगते हो, अब मैं क्या करूँ, मेरी बात क्या चलती है। अच्छा अच्छा, तुझे भी मौका मिल गया, अब तू भी अपनी भड़ास मेरे ऊपर निकाल ले, तू देवर और भाभी दोनों ही एक जैसे हैं। जा जाकर हल चला, दो बार हल चला देना अच्छे से। भैया अब हो गया क्या तुम्हारा खाया हुआ। हाँ रे हो गया, बड़ी देर लगा दी भैया। हाँ सोच रहा था थोड़ा आराम आराम से खाऊं, तब तक तू खेत को जोत भी देगा। हाँ भैया, दो बार हल भी चला दिया है और मिट्टी भी भुरभुरी हो गई है, बस थोड़े बहुत घास है, मिट्टी को समान कर दो, बस हमारा जुताई का काम खत्म हुआ। अरे वो तो मैं कर ही दूंगा, तू एक काम कर भैरव, दोनों बैलों को ले जाओ, हल को भी ले जाओ, मैं आता हूँ, थोड़े जो घास वगैरह है उसे उखाड़ देता हूँ, उखाड़ कर फिर मैं घर पहुँचूंगा। ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे वाह, घास तो देखोगे तो ऐसा घास उपजाने की कोशिश करोगे तो उपजेगा नहीं, कितने हरे हरे घास है लेकिन किसी काम के नहीं, इन्हें उखाड़ फेंकता हूँ, खाली हो जाएगा खेत तो फिर अच्छा खासा फसल उगेगा। अरे बड़ी गर्मी लग रही है, धूप भी चढ़ाई है, जाता हूँ पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ।
ओ काका, काका आओ जरा इधर, बैठो भी मेरे पास। हाँ भाई कालू, बताओ कैसे हो? ठीक हूँ काका। और कहाँ जा रहे थे? कहाँ जाऊँगा, थोड़ा गांव घूमने निकला था। तुमसे मुलाकात हो गई। हाँ काका, सुना है तुम्हारी एक बेटी भी है। हाँ बेटी है। अरे ब्याह नहीं करोगे उस बेटी का? हाँ भाई करूँगा, मेरी एकमात्र बेटी है। सोचता हूँ कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो उसके साथ ही ब्याह करूँगा। अरे तुम्हारी धन संपत्ति घर सब तो उसी लड़के का होगा ना जो तुम्हारी बेटी से ब्याह करेगा? हाँ भाई, अब मैं कोई माथे पे लाद कर तो नहीं ले जाऊंगा ना। मेरी जितनी संपत्ति है, तालाब है, खेत है, घर है, पैसे तिजोरी में है, वो सारा कुछ मेरी बेटी और दामाद का ही होगा। और क्या, बस मुझे एक अच्छा लड़का चाहिए। हाँ भाई चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, देखूं बेटी अकेले घर में है। ठीक है काका, आओ फिर तुम। अरे तुम आ गए, तुम्हारे भाई कहाँ है? वो आने में देर होगी भाभी। अच्छा क्यों? वो थोड़ा घास वगैरह की निराई कर रहे हैं। अरे तो तू भी वहाँ क्यों नहीं रुका? मैं वहाँ रुक के क्या करता? बाप भैया ने कहा तुम बैलों को हल को लेकर जाओ, तो मैं वहाँ से चला आया। अरे तुम्हें मदद करनी चाहिए थी, तुम्हारे भैया अब घर आएंगे और बोलेंगे कमर दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, मालिश करो, मेरे जिंदगी को तो नरक बना रखा है तुम दोनों भाइयों ने। अरे भाभी इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारे पति अगर तुम्हें परेशान करते हैं तो तुम अपना गुस्सा मेरे ऊपर क्यों डाल रही हो? अरे मैं तुम्हें ना बोलूं तो किसे बोलूं? 4 दिन बाद ब्याह करोगे, अपनी बीवी को क्या खिलाओगे? देखो भाभी ये चिक 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 मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे साथ खिट 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 मत करो, मैं जा रहा हूँ। भाभी ये रोज रोज खिचड़ी क्यों परोस देती हो? तुम्हें बनाने में आसानी होती है लेकिन मुझे खाने में आसानी नहीं होती है। अरे आए हैं बड़े महाराजा, जाकर बना लो, किसने मना किया है? अरे तुम दोनों किटकिट किटकिट बंद करो और शांति से मुझे खाना खाने दो, तुम लोगों की किटकिट खत्म ही नहीं होती है। अरे भैया समझाओ, अरे भैया समझाओ भाभी को, ये हम लोग दिन भर काम करते हैं और काम करके यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता है। अच्छा बड़ा काम करते हो, मैंने नहीं देखा है, कौन से काम करते हो? अरे चुप करो दोनों के दोनों, वरना मैं खाना छोड़कर उठ जाऊंगा। बिजली मैं सोच रहा हूँ कि ब्याह कर दूँ भैरव का। अरे क्या बात कर रहे हो, भैरव का ब्याह कर दोगे और उसकी पत्नी खाएगी क्या? अरे क्यों, तुम जो खाती हो वही खाएगी? अरे वो तो ठीक है लेकिन भैरव कोई काम काज नहीं करता है, तुम्हारे भाई को कौन लड़की देगा? अरे मैंने एक लड़की देख रखा है, एक तो बहुत अच्छा है, दूसरी बात उसे धन संपत्ति की कमी नहीं है, भैरव की जिंदगी सुधर जाएगी। अच्छा सुनू कौन है वो लड़की? अरे वो जो हमारे झुमरू काका है ना, उनकी इकलौती बेटी है। झुमरू काका को धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, अगर वो ब्याह के लिए हाँ बोल देते हैं तो समझ लो कि भैरव के भाग्य खुल जाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छा होगा। और मैंने सुना है उनकी लड़की भी बहुत अच्छी है व्यवहार से। ठीक है फिर चलो चलकर बात करते हैं कल। अरे तुम लोग यहाँ आए हो, कोई बात है क्या? हाँ काका
कुछ बड़ा ही बात है, इसीलिए आए हैं। बोलो भाई, क्या बात है? हम चाहते हैं हमारे छोटे भाई के साथ आप अपनी बेटी का ब्याह कर दो। अरे ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा भाई के पास क्या है? अरे मेरे भाई के पास सब कुछ है, हमारी पास अच्छी खासी जमीनें हैं। मैं अपने भाई को उसका हिस्सा दे दूंगा, अच्छी खासी जमीन हो जाएगी और वो मेहनती भी है। चलो ये तो ठीक है, चलो फिर ब्याह के लिए एक दिन निकाल लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे यहाँ बैठे हो, कुछ काम धंधा भी सोचो, अब तुम्हारा ब्याह तय कराए हैं हम। अरे किससे मेरा ब्याह तय कराए? अब मुझे भैया भाभी की तरह नहीं चाहिए चिक चिक करने वाली। मेरा ब्याह ऐसी लड़की से मत कराना, मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। अरे मैं चिक चिक करती हूँ, आज तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी? मेरे जैसे लड़की से ब्याह करने से नरक बन जाती है क्या? हाँ भाभी एकदम से। अरे तुम दोनों बक 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 बंद करो, और वो लड़की बहुत अच्छी है, तुम परेशान नहीं होगे। झुमरू की बेटी है, बहुत बढ़िया है वो, अच्छी खासी धन संपत्ति भी है, तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा, इसलिए ज्यादा चिक चिक मत करो। देख भाई भैरव, अब बहुत काम काज बढ़ गया है, इसलिए तू अब आराम से बैठ कर खाने की मत सोच, और जाकर काम धंधा करो, थोड़ा सीखो। हाँ भैया मैं भी वही सोच रहा हूँ, मैं जाता हूँ खेतों पे और थोड़ा काम धंधा देखता हूँ। भैया कितने दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिला है ना? हाँ रे, मैं तो बिजली के हाथ का खा के पक गया था, कम से कम गौरी कुछ अच्छा तो बनाती है। अच्छा अब तुम्हें भी मेरे हाथों का बना खाना अच्छा नहीं लगने लगा है? अरे अब नहीं, पहले भी कभी नहीं लगता था, तुम तो बनाती ही हो बहुत खराब, गौरी बहुत अच्छा खाना बनाती है, गौरी से कुछ सीख लिया करो। देखो गौरी कैसे कह रहे हैं तुम्हारे भैया। अरे भाभी छोड़ दो उनकी बातों का दिमाग मत लगाओ, ये ज्यादा खा कर इनका दिमाग खराब हो गया है। अरे बहू तुम कम से कम ऐसा मत कहो, मुझे खाना अच्छा दिया करो, बाकी जो कुछ भी है सब ठीक ही है। अब कालू भैरव का परिवार सुखी था और वो आपस में बहुत खुश रहते थे, पहले की तरह अब नहीं था, खेती भी बहुत अच्छे से होती थी और व्यापार भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था।